अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अंकल ये ऊपर रख देना इसको। मतलब 5-5 दिन कितने दिन हो गए गाड़ी को आए को बता। अब कचरा कैसा तू बांस लिया, अब अपन 1 महीने के पैसे नहीं भरो तो छाती पे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब क्या करो, मजबूरी है। कितने दिन का है कचरा? 8 दिन का हो गया। तो कब तक इंतजार करो, कहाँ फेंकने जाओ? जिसको खा रहा हूँ वापिस नहीं। हाँ आप तो डाल दो, क्या करो, आपकी भी मजबूरी है और मेरी मजबूरी है कि कहीं ना। सर बताए, हम वार्ड पार्षद होके वार्ड में कचरा की गाड़ी चला रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? भैया मामला तो सब देख रहे हैं ना, सारे लोग देख रहे हैं, कचरा गाड़ी चलाने के कारण है लोग एसी में सो रहे होंगे। मैं गर्मी में ये गाड़ी चला रहा हूँ तो ये चलाने का कारण ये है कि जनता परेशान हो रही है। और जनता का क्या मूड ऐसा है कि 2 मिनट में पार्षद को, जैसे पिज्जा 30 मिनट में आता है तो पार्षद 5 मिनट में आ जाता है, लेकिन सुविधा नहीं आ पा रही पार्षद से, तो कहीं ना कहीं जनता भी परेशान होती है। तो नहीं कचरा गाड़ी आ रही थी तो मैं खुद स्वयं कचरा गाड़ी लेके आया। भाई साहब 5-6 दिन हो गए, कभी कचरा गाड़ी आती है तो कोई नया ड्राइवर आता है, 2 गली करता है फिर भाग जाता है, कभी इंजन बैठ जाता है तो कभी आदमी घर बैठ जाता है। अब कब तक बैठेगा ना, क्या करेगा भैया? हमें तो जनता को मुंह दिखाना है, हम थोड़ी लाड़ी बन के बैठ सकते हैं ये घर की बहू बन के बैठ जाए, हमें तो घर की बहन बेटी और परिवार का व्यक्ति बन के लोगों से मिलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के मुंह चलेंगे, कहीं ना कहीं मैं 2-2 बार निर्दलीय पार्षद बना हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को तो लोगों को सुविधाएं देना पड़ेगी, क्योंकि वो बिना पार्टी को देख के मुझे जिताते तो कहीं ना कहीं मेरे भगवान है वो, तो मुझे उनकी असुविधा को देख के मेरे को खुद ही नगर निगम का हिस्सा बन के मैं कचरा गाड़ी चला रही हूँ। लापरवाही नहीं, सो रहे हैं, टाइट करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी हाल बारिश की भी स्थिति है, नदी नाले भी साफ नहीं हुए हो पाए ढंग से, इसलिए सो मत, जागो और काम करो, जिससे ऊपर के जितने भी है नेता वगैरह उन लोगों को भी असुविधा होगी। इससे अच्छा है कि नीचे के जो सब सुधर जाओ और उनको जिसको पैसा देना है उसको पैसे दो, हम संपत्ति कर जल कर 1 लाख भरते हैं उसके बाद भी जूते खाते हैं, ये चीजें नहीं चलेगी, आपको ये चीजें सुधारनी पड़ेगी। रुपेश वर्मा पार्षद प्रतिनिधि, ये बताए वार्ड है, किस तरह की परेशानियां यहाँ पे आ रही है और आज वार्ड पार्षद कचरा गाड़ी लेके आए? सर ये 22 वार्ड है, क्रमांक 22 वार्ड, और पिछले 10 दिन से गाड़ी नहीं आ रही, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, और आज पार्षद गाड़ी लेके आ रहे हैं हमारे। क्या लगता है, बड़ी लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं, झाड़ू लग रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। हमने भी नहीं पार्षद जी को बोला था तो वो खुद स्वयं गाड़ी लेके आए हैं आज। आपका नाम? मेरा नाम चंचल बरेठा। पार्षद आप कचरा वाहन चला रहे, क्या बोलना चाहेंगे? ये 3-4 दिन हो गए गाड़ी आए तो, और पार्षद भी चला रहा है, परसों भी 3-4 दिन पहले लेके आए थे और आज भी लेके आए हो। क्या मानते हैं नगर निगम की बड़ी लापरवाही पूरे शहर के अंदर गाड़ियां निकल रही है? और ये पूरे शहर के तो नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो नहीं आ रही है, अभी 3-4 दिन से नहीं आ रही है, पार्षद भी लेके आ रहे हैं गाड़ी। माया परिहार नहीं, अभी तो आ रहा है, अभी 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। तो आज वार्ड पार्षद लेके आए? आज पार्षद जी लेके आए हमारे इधर कचरा, तो इतने दिन से कोई नहीं लेके आ रहा था।
बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कूड़ा कचरा ढेर हो रहा, कचरों का ढेर हो रहा है यहाँ से वहां तक के पूरा, मतलब कुछ साफ सफाई नहीं है। हमारे पार्षद जी तो है ना कचरा गाड़ी भी लेके आ जाते हैं, घरों घरों से कचरा डालते हैं वो पार्षद भैया। तो रीना शांति, लगातार ये समस्या आ रही है कचरे को लेकर, आज पार्षद भी आपके यहाँ कचरे की गाड़ी लेके आ गए थे, क्या मानते हो क्या लापरवाही नगर निगम की? क्या नगर निगम की लापरवाही, प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन को जागृत होना है। जनता पैसे भरती है कचरे के और फिर भी ये हालत है जनता की। कितने दिन से आपके यहाँ गाड़ी नहीं आ रही? पौन महीना हो गया कम से कम। अच्छा, ये कभी शिकायत आपने कभी करी है नगर निगम में किसी को? पार्षद को कहते, क्योंकि वार्ड प्रभारी है वो, तो उसी को कहते, वो जाके नगर निगम में कहेंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे कचरे को लेकर। तो जनता परेशान है, मैं क्या। अच्छा, अभी कचरा अभी कहाँ फेंकते हैं आप, क्या करते हैं इसको लेकर? हम तो अवेयर के रखते हैं, चार चार थैलियां हो गई हमारे घर में, बदबू आ रही घर में, हम रस्ते पे तो फेंक नहीं सकते कि जागृत नागरिक है हम। तो क्या कह रहा, क्या जैसे एक तरह तो स्वच्छता को लेकर बड़ी बड़ी यहाँ बात की जाती है, बात होती है और क्या, नंबर आ गया बस हो गया, प्रशासन सो गया। क्या नाम है आपका? सुशील लीला राठौर, रिटायर्ड अध्यापिका, समाज सेविका का काम भी करती हूँ। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा यहाँ गाड़ी नहीं भेजी जा रही है, इसलिए आज वो खुद गाड़ी लेके आए, क्या कहना है आपका? 15 दिन से गाड़ी नहीं आ रही, कचरा घर में बहुत सारा हो गया है। आज पार्षद जी देखे तो हम आके उनको बोल रहे हैं कि यार गाड़ी लेके आओ, हमारे घर गाड़ी नहीं आ रही, 15 दिन से कचरा बहुत हो गया। तो आज तो उनको गाड़ी पर देख के हमको अचंभा हो रहा है। क्या मानते हो कि आप गाड़ी नहीं आ रही है, नगर निगम में कभी शिकायत करी आपने इसको लेकर? नगर निगम तो नहीं करी, लेकिन पार्षद जी को करी है। अभी नगर निगम को भी करने, पार्षद जी ने बोल दिया कि नगर निगम को करना है तो नगर निगम को कर देंगे, लेकिन अभी तो पार्षद जी के पास। क्या मानते हो कि नगर निगम में लापरवाही? लापरवाही है, 15 दिन से गाड़ी नहीं आ रही है। 15 दिन से गाड़ी। अच्छा, अभी यहाँ गाड़ी नहीं आ रही है तो कचरा की क्या व्यवस्था करो, कैसे क्या काम फेंक करो, क्या कर रहे हो आप? घर में थैलियां भर भर के रखे हुई है, बाकी अभी फेंकने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या मानते हैं, एक तरफ स्वच्छता को लेकर बड़ी बड़ी बात की जाती है और दूसरी तरफ लोग घरों में कचरा रख रहे हैं, गाड़ियां नहीं आ रही है? हाँ, थैलियों में भर भर के रख रहे हैं, ढेर पड़ा हुआ है। क्या मानते हैं, स्वच्छता का मजाक नहीं उड़ रहा है? मजाक उड़ रहा है, उड़ रहा है ना। ठीक है, आपका नाम? बाबा साहब राठौर। कहाँ के निवासी आप? आनंद ऋषि नगर।